शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राजा कल तेरी पार्टी में बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। हो यार, तेरा बाप है दिलदार। अरे नाम मत ले मेरे बाप का। कार के साथ साथ तेरे बाप ने सड़क भी खरीद के तुझे प्रेजेंट कर दिया क्या? अबे ओ सूरदास की औलाद, आंखें हैं तो देखकर क्यों नहीं चलता? ये तेरा बाप तुझे तमीज के साथ साथ सड़क पर चलना सिखाना भी भूल गया, इडियट। अरे यार, ये लड़की है या तेजाब बनाने का फॉर्मूला? लगता है कॉलेज में नहीं आई है। हाँ, जितनी खूबसूरत उतनी नटचड़ी। हाय कसम से यार, ये तो शोला है शोला। कल इस शोले पर पापड़ नहीं सेका तो मेरा नाम राजा नहीं। देखकर नहीं चल सकता, अंधा है क्या? अरे, अरे कोई है। ओह माय गॉड, ये तो सचमुच अंधा है। मेरी किताबें, मेरी छड़ी। सुनिए, ये लीजिए। कौन? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? जब ऊपर वाले ने ऐसी ठोकर मार दी है जिंदगी भर के लिए, तो बाकी चोटों का क्या मैडम? आपकी कोई गलती नहीं। दरअसल आंखों वालों की दुनिया में अंधा पैदा होना ही गलती है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर आप कहीं जा रहे हो, कहिए मैं आपको छोड़ दूं। अंधा जा रहा है या आ रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है मैडम? आंखों के दिए तो भगवान ने ऑफ कर ही दिए थे, इसीलिए ज्ञान के दिए जलाने मैं कॉलेज जा रहा था। वैसे आपकी जानकारी के लिए, मैं जीके कॉलेज में पढ़ता हूँ, ब्लाइंड सेक्शन। जीके कॉलेज में? वहाँ तो मैं भी पढ़ती हूँ। अच्छा? हाँ, आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। प्लीज इनकार मत कीजिए, आइए ना प्लीज। अच्छा। अरे कमल के, आपकी क्लास कौन से फ्लोर पे है? क्लास? अरे कमल के, माफ कीजिए। नहीं नहीं, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, आप ये हाथ मेरे कंधे पे रख लीजिए। अच्छा, सचमुच आप मेरे लिए बहुत तकलीफ उठा रही हैं। अरे नहीं नहीं, आज आपने एक अंधे की मदद की है, आप बहुत अच्छी हैं। आउच! जिंदगी ने तो आपके साथ बहुत ज्यादती की है, भगवान भी कभी कभी इंसान को। देव, देव आनंद है नाम मेरा। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, मैं वो परवाह ना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं। वो आके गिरे हम पे बिजली के खंबे की तरह, खुदा की कसम करंट खा के मजा आ गया। Who the hell are you? मैं वही हूँ जिसका कल आपने सड़क की गंदगी से मुंह काला किया था। कल तो सिर्फ मुंह काला किया था, आज अपने सैंडल से तेरा मुंह लाल कर दूंगी। अरे और रख रद्दी और रख कंजूसी मत कर, चल डाल। और डाल तो रहा हूँ बस। और अरे शेर जी, वजन तो रखिए, आप खुद क्यों बैठे? अरे ससुरी के सोना तुलवा रहा है क्या है? और वैसे भी मैं 32 किलो का हूँ तो बांट की क्या जरूरत है? आप 32 किलो, कम से कम 72 किलो के होंगे। 72 किलो के? इस महंगाई के जमाने में डेढ़ रोटी खाकर आजकल 72 किलो का कौन है? शेर जी आप बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी। अरे रद्दी के, हजारी प्रसाद से धंधा करना है तो हजारी प्रसाद के तरीके से ही करना होगा, समझे?
अरे सेठ जी, आप यहाँ कहाँ लटक रहे हो? देखो आपके द्वार पर साक्षात लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी? हाँ लक्ष्मी। अरे ये है सेठ गिरधारी लाल जी, जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था। गिरधारी लाल जी, गिरधारी लाल जी, गिरधारी लाल जी, आइए आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। बोलिए मेरे लिए क्या हुक्म है? अरे सेठ जी, आपके लड़के को कॉलेज की स्टेज पर देखा था इन्होंने, लड़का इन्हें पसंद है। कोई परेशानी नहीं। अरे मुरारी जरा दो चाय लाना। ना ना ना, समझ गया मालिक। हाँ जी, मुझे आपकी बेटी पसंद है। अच्छा ये बताइए कि आपकी उम्मीद कहाँ तक है, कुछ अंदाजा बताएंगे? अंदाजा? गिरधारी लाल जी, पूरी लिस्ट तैयार है, देखिए बहुत छोटी सी है, देखिए। लाल प्रसाद जी, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, आपकी मांगे इसमें से कुछ कम नहीं हो सकती क्या? कम करवानी है तो अगली दुकान पे चले जाइए अपनी बेटी के रिश्ते के लिए। देखिए मैं तो दूसरी दुकान पे चला जाऊंगा, लेकिन आपको साफ बता देता हूँ, कारोबार तो आप रद्दी का करते हैं, यानी कबाड़ी का। आपकी मांगों को देख के ऐसा लगता है कि आपको अपने लड़के की शादी किसी राजा भोज की लड़की से करनी पड़ेगी। दुनिया देखेगी, आप भी देखेंगे गिरधारी लाल जी, कि ये गंगू तेली एक दिन अपने बेटे की शादी किसी राजा भोज की लड़की से करके रहेगा। अरे मैं सारी उम्र इतना नहीं चला जितना आपने मुझे एक दिन में चला दिया, अब और कितना चलना है सेठ जी? बस पंडित जी, बस दो कदम और। अरे मैं एक कदम ही और चला तो मेरा दम निकल जाएगा। अरे क्यों इस गरीब ब्राह्मण की जान लेने पर तुले, बस में नहीं चल सकते थे क्या? बस, बस की क्या जरूरत है पंडित जी, बस आई क्या, 10 किलोमीटर तो चल चुके हैं, अब 3 किलोमीटर और रह गया। मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्या करते हो, उठो उठो उठो, चलो हटो। होटल के माल की गाड़ी आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सुपर्मा, तुम कह रहे थे? सर हमारी दिल्ली वाली होटल से हमें 50 लाख रुपए का फायदा हुआ। 50 लाख? मेरा वक्त जाया मत करो वर्मा, 50 लाख इज नथिंग, इट्स पीनट। यू नो व्हाट पीनट? मूंगफली सर। 50 लाख मूंगफली? मूंगफली सर, हमारे लंदन वाले होटल ला मरीना से हमें 2 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। सिर्फ 2 करोड़? हमें तो 4 करोड़ की उम्मीद थी, ये कोई प्रॉफिट थोड़ी हुआ, ये तो लॉस हुआ। सॉरी सर। सर आज आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग। किसके साथ? मेरा ग्रुप ऑफ होटल्स दुबई के प्रपोजल के बारे में। आज तो इम्पॉसिबल है, आज मेरी बेटी मधु की 17वीं साल गिरा है। सर प्लीज कुछ भी कीजिए वरना लाखों का नुकसान हो जाएगा। मेरी बेटी की साल गिरा सिर्फ एक दफा आती है, मैं लाखों गंवा सकता मगर उसका दिल नहीं तोड़ सकता। करोड़पति इकलौती बेटी, करोड़पति इकलौती बेटी। अरे कहाँ खो गए जजमान, वहाँ आपके होने वाले समझी जी आपका इंतजार कर रहे होंगे, चलिए। समझी तो मुझे मिल गया पंडित जी, सुना था भगवान चप्पर फाड़ के देता है लेकिन मुझको तो आसमान फाड़ के दे दिया। आपका मतलब है ये सेठ? अरे सेठ जी, इसके तो रसोइये की बेटी तक आपके बेटे से शादी ना करे। अरे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा, नहीं तो पागल समझकर आपको पागल खाने भिजवा देगा। अरे ये शादी का ख्याल छोड़िए और चलिए, वासन दीदी आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे आज पंडित, तू इस हजारी प्रसाद को नहीं जानता, जिस राजा भोज की मुझे तलाश थी वो मुझे आज मिल गया। अब इस गंगू तेली को चाहे कुछ भी करना पड़े, इसके बेटे की शादी राजा भोज की बेटी से होकर रहेगी। भगवान तेरा भला करे। वेरी गुड वर्मा। I have taken the appointment, sir. So, वो Bennett and Miranda company की quotations invite कर लें। इसमें सोचने की क्या बात है? इनसे कह दो। सर हजारी मिल्स को लाखों का फायदा हुआ है। सर हजारी केमिकल्स का आज उद्घाटन है। सर हजारी शिपिंग कॉर्पोरेशन की आज मीटिंग है। सर कोई बहुत बड़ी हस्ती मालूम होती है। जरूर कोई खानदानी रईस होगा हमारी तरह। We'll be right back.